जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि मेष। आज मेष राशि वाले आप किसी प्रकार की समस्या दुर्घटना से सचेत सतर्क रहें। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आपको आज के दिन शत्रुओं की स्थिति आपको घेर सकती है, इसलिए जो भी कार्य करें सोच समझ कर ही करें। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को शत्रु आपके परास्त हो गए, मित्रों से सहयोग होगा, घर परिवार वालों का भी सहयोग प्राप्त होगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले वाद विवाद से बचें, जमीन जायदाद को लेकर के आपका कहीं कोई झगड़ा हो सकता है घर परिवार में, अन्यत्र किसी और से भी। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, आप किसी पूर्व से पद पर प्रतिष्ठित हैं तो नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन किसी कार्य व्यापार से संबंधित आप अन्यत्र इधर उधर कहीं जा सकते हैं और आपका काम सिद्ध संपन्न भी हो सकता है। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आपको मानसिक तनाव बेचैनी कम होगी, जीवन जो आपका संघर्षमय चल रहा है उसमें आपको आज के दिन कोई लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आप मूंगा रत्न पहने श्री हनुमान जी की आराधना करें और आपका अटका हुआ काम आज सिद्ध होगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, पोहराज रत्न धारण करें, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। दसम राशि मकर। मकर राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपके ऊपर वर्ष भर शनि साढ़े साती की महादशा भी चल रही है, इसलिए आप जो भी कार्य करें श्री हनुमान जी को आराध्य बना करके या नीलम रत्न पहन करके, और आज आपका काम कोई अटका हुआ भी हो सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। किसी कार्य को लेकर के आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं अथवा फोन इत्यादि के माध्यम से शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप संपर्क करें चैनलों पर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर 9993505962। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।